सीकर के धोद थाना इलाके के नागवा गांव से अपहरण हुए दुल्हन का मामला थमने का नाम नहीं ले रहा। राजपूत समाज के सैकड़ों लोग उदयपुर वाटी विधायक राजेंद्र गुड्डा और राष्ट्रीय कर्णी सेना के संयोजक सुखदेव सिंह गोगामेड़ी के नेतृत्व में राजपूत छात्रावास के सामने पिछले 3 दिन से लगातार धरना दे रहे हैं। प्रशासन की ओर से दी गई 3 दिन की समयावधि के बीत जाने पर समाज के लोगों ने कलेक्ट्रेट की ओर पर चढ़ाई की। इस बीच भारी संख्या में तैनात पुलिसकर्मियों ने प्रदर्शनकारियों को रोक दिया और फिलहाल पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच झड़प लगातार जारी है। इसी बीच उदयपुर वाटी के विधायक राजेंद्र गुड्डा सड़क पर लेट गए और साथ ही आमरण अनशन पर बैठ गए। नौजवान साथी आज देश के जो यहाँ आए हैं, मैं उनके माध्यम से बताना चाहता हूँ, हमारी परीक्षा मत लो। अब परीक्षा की घड़ी खत्म हो चुकी है। अब ये कह रहे हैं वार्ता कर लो। किस चीज की वार्ता कर ले? हमारी तो मांग ही एक है, हमारी डोली जो उठी, हमारी बहन की बरात लूट करके ले गए। राजपूत का आन मान और स्वाभिमान ही तो बचा है हमारे पास, और तो सब कुछ हमने सरकारों को सौंप दिया और आज वो भी हमारा